महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू एटी ब्लॉग्स। मैं आपका दोस्त अंकित। जैसे कि आपको पता है कि सावन महीना चल रहा है, तो आप मेरे ड्रेस से देख ही सकते हो। तो अपन जा रहे हैं जल लेने, वो भी बाइक से। जैसे हम हर साल जाते हैं, वैसे इस साल जा रहे हैं। तो आपको रास्ते में कावड़ियों की धूम और बाकी जो भी होगा वो सब आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। चलो अब आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। फिलहाल तो आप देख सकते हो महंगे से महंगे डीजे सबके, मतलब कंपटीशन वगैरह होते हैं। और ये सामने ट्रॉफी आप देख ही रहे हो, तो शील्ड वगैरह ट्रॉफी वगैरह इनको मिलती रहती है। बाकी आगे आपको डीजे का कंपटीशन दिखाते हैं, कसाना डीजे वर्सेस अमर डीजे का। ये जो आप सामने डीजे देख रहे हो वो अमर डीजे है, और आगे आपको कसाना डीजे भी दिखाया जाएगा। और मतलब क्या होता है कि जो डीजे के कंपटीशन होते हैं उसमें सबसे बेस्ट कसाना डीजे वर्सेस अमर डीजे ही होता है। ज़्यादातर जो नंबर वन या टू पे आते हैं वो यही दो आते हैं सभी डीजों में। आप सामने देख सकते हो ये अमर डीजे है, बाकी अभी आपको कसाना डीजे भी दिखाया जाएगा। तो जैसे कि आपने पीछे अमर डीजे देखा था, अभी सामने कसाना डीजे है। इन दोनों डीजों की सबसे ज़्यादा की लागत होती है, लगभग करोड़ों तक पहुंच जाती है इनकी लागत। और बाकी इनका सेटअप सबसे बेस्ट रहता है। और इनके आप ट्रॉफीज़ वगैरह देख सकते हैं, और साइड में शील्ड वगैरह जो टंगी हुई हैं। बाकी आगे कंपटीशन होगा तो मैं आपको वो कंपटीशन भी दिखाऊंगा। अभी चलते हैं अभी आगे। ये साइड में आप देख सकते हो डीजे के कंपटीशन चल रहे हैं। भाई साहब कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लोग वहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है ये देखने के लिए। बाकी अभी साइड में गाड़ी लगा के हम भी ये डीजे का कंपटीशन देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं।
आवाज जा रही है उम्मीद तक मेरी भैया। ये महेश जी जो है वो कहाँ सोच लिया तुमने बालक का।